नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी। पटियाला हाउस कोर्ट में आज हुई थी पेशी। कल सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में किया था गिरफ्तार। नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा संसद ने मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए जनसभा में बोल रहा हूँ। गुजरात के दीसा में दुग्ध फैक्ट्री का किया उद्घाटन। एम्स में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। 5 घंटे तक चली सुषमा स्वराज की सर्जरी, डॉक्टरों की टीम कर रही है स्वास्थ्य की निगरानी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली टिकट सूची। लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बाहुबली अतीक और मुख्तार के भाई को मिला टिकट, तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को दी गयी स्वार सीट। जानलेवा हुई नोटबंदी। बिहार में अपराधियों ने गार्ड की हत्या कर लूटा एटीएम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तैनात था गार्ड, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। और इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली ने लगाई 15वीं सेंचुरी। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने भी खेली शतकीय पारी। खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट खोकर बनाए 451 रन। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।